नागरिकता संशोधन कानून पर असम में लगातार बवाल जारी है। हिंसा को लेकर अब तक 85 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गुवाहाटी डिब्रूगढ़ के पुलिस अधिकारी बदले गए हैं। राज्य में बढ़ते तनाव के बीच असम के सीएम पीएम से मुलाकात करेंगे। तो सीएम सर्बानंद आज पीएम से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। गुवाहाटी में आज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है, लेकिन 85 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। तो डिब्रूगढ़ में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। तो लगातार नागरिकता संशोधन बिल का यहां पर विरोध किया जा रहा है और इसी विरोध के चलते असम में बवाल देखने को मिल रहा है। अब तक 85 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसी विरोध के बीच आज असम के मुख्यमंत्री पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। अमित शाह के साथ ही मुलाकात होगी। तो हिंसा को लेकर अब तक 85 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गुवाहाटी डिब्रूगढ़ के पुलिस अधिकारी को बदला गया है। तो राज्य में बढ़ते तनाव के बीच असम के सीएम अब पीएम से मुलाकात करेंगे, वहां की स्थिति को पीएम के सामने रखेंगे। तो आज मुख्यमंत्री सर्बानंद पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, अमित शाह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो गुवाहाटी में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। डिब्रूगढ़ में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील। तो जिस तरह से विरोध लगातार जारी है, उसी विरोध के चलते यहां पर कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन अब कर्फ्यू में ढील यहां पर दी गई है और इसी विरोध के चलते आज मुख्यमंत्री सर्बानंद पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। तो लगातार नागरिकता संशोधन बिल का असम में विशेष तौर पर नाराजगी अभी भी देखने को मिल रही है।